प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. लव यू ऑल. हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड खमा गणी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो आज हम बनाने वाले हैं गेट रेडी विथ मी फॉर संगीत नाइट. एंड थोड़ा सा लाइट कुछ मैं वियर करने वाली हूँ. आज मैं गाउन नहीं पहन रही हूँ, आज मैं कोट्स पहनने वाली हूँ. एंड इस वक्त मैं हूँ विजयनगर. तो ऑफकोर्स फर्स्ट थिंग, यहाँ गर्मी बहुत है. लाइक लिटरली सुबह मेरी इतनी गंदी हालत हो गई थी, कहते ना मैं पानी पानी हो गई, वो वाला हाल था. बट ठीक है, माय ऑडियंस इज रियली अमेजिंग. बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत 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 मजा आया. एंड काफ़ी टाइम बाद मैं विजयनगर में इवेंट कर रही हूँ, तो यस, गुड वन फॉर मी. एंड थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड तैयार होते हैं. मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ जिनको मैं यूज़ करूँगी आज रेडी होने के लिए, या फिर यूँ कहूँ कि जिन प्रोडक्ट्स को मैं यूजुअली अपने मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. एसेसरीज में क्या वियर करूंगी गले में सर में वो आपको दिखाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. एंड वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट. यूजुअली तो मैं शॉर्ट्स ही बना रही थी, बट फिर मुझे किसी ने बोला कि यार आजकल आप वीडियोज नहीं बना रहे हो, तो ऐसा क्यों, लाइक लॉन्ग वीडियोज क्यों नहीं बना रहे हो. तो मैंने सोचा कि यार दो तीन लोगों ने बोल दिया, तो चलो लेट्स स्टार्ट द लॉन्ग वीडियो. एंड बातें बहुत होगी, चलो. एंड प्लीज अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको कॉमेंट हो, लाइक कुछ सवाल करना हो या कुछ करेक्शन आप रिक्वायर, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स. सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा रूम थोड़ा सा लाइक फैला हुआ है, मेरा बेड फैला हुआ है, तो प्लीज डोंट माइंड. एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स जिनके साथ में आज हम करने वाले हैं गेट रेडी विथ मी फॉर संगीत वाला मेकअप. एंड ये सारे प्रोडक्ट्स हैं. वैसे मैं स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एक ही ब्रांड के यूज़ करती हूँ, मैं डिफरेंट ब्रांड्स को यूज़ करती हूँ. एंड दीज आर माय फेवरेट वन जो मेरी स्किन को सूट करते हैं एंड मैं रिकमेंड कर सकती हूँ. बिकॉज देखिए, सबकी स्किन अलग अलग होती है, और मैं पर्सनली किसी सस्ती चीज़ या किसी एड को देख के कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पर यूज़ नहीं करती हूँ. ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने, ये मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा सही सूट करते हैं. एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, गार्नियर का सिरम है ये, फेस सिरम जो मैं सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ. इसके कुछ ड्रॉप मैंने लिए हैं अपने चिक एरिया पे और फॉरहेड पे. इसे अच्छी तरह से मैं, मतलब मसाज टाइप मान लीजिए या फिर तरीके से मैं इसको अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी स्किन के अंदर तक जाए. और इसे अप्लाई करने के बाद एक मिनट तक मैं इसको छोड़ देती हूँ अपने स्किन पर. इसके बाद में मेरी फेवरेट सनस्क्रीन लाश शील्ड एंड फ्रूट क्रीम मिला के अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ मैं, ताकि बेस्ट हो. थोड़ा सा लिप बाम एंड ये है करेक्टर, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं कुछ, लाइक कभी कभार स्पॉट्स होते हैं उनको कवर करने में, ये मेरे कंसीलर्स हैं. एंड उसके बाद मैं क्राइलॉन का बेस यूज़ करती हूँ, ये डर्मा कलर है, मेरी स्किन पे सूट होता है. एंड दीज आर माय लेंस, और ये मैं जेन्युइन बेसिस पे यूज़ करती हूँ. दिस इज़ द लूज पाउडर लैक्मे का, ये मेरी न्यू आई शेडो प्लेट है. इसमें एक्चुअली न्यूड कलर्स भी हैं और काफ़ी सारे ब्राइट कलर्स भी हैं, इसीलिए मैं हमेशा इसे कैरी करती हूँ. ये है मेरे मेकअप ब्रश जो कि वेगा के हैं, एंड आज मैं ये लैक्मे का रेड शेड यूज़ करने वाली हूँ. दिस इज़ रियली गुड वन, ट्रस्ट मी. एंड नाउ दिस इज़ द कम्प्लीट लुक. और पता है, थोड़ा नहीं, इवन बहुत ज़्यादा लेट हो गई हुई इवेंट के लिए, इसलिए ढंग से मैं अपना, मतलब मेकअप लुक नहीं दिखा पा रही हूँ. वापस आके दिखाऊंगी आपको. तब तक के लिए चलिए चलिए फटाफट स्टे कनेक्टेड एंड इवेंट में चलते हैं, बिकॉज बहुत लेट हो गया है. और ये देखिए, थोड़ा सा क्लियरली नहीं नजर आ रहा बिकॉज लाइट्स का शेड चेंज हो रहा है, बट ट्रस्ट मी बहुत प्यारा मेकअप हुआ है, बहुत ही लाइट. सो एक्चुअली हुआ ये कि मैं उस टाइम पे ऑफ कोर्स थोड़ा मेकअप का लुक दिखाती, बट मैं थोड़ा नहीं, इवन बहुत ज्यादा लेट हो गई थी बाल कर्ल करने में. पता नहीं कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था प्लग में, इसलिए मुझे फटाफट निकलना पड़ा. बट स्टिल मेरा मेकअप काफी हद तक कॉन्स्टेंट है. थोड़ा सा लाइक ऑफकोर्स पसीने आ गए थे गर्मी होने की वजह से, थोड़ा सा हो जाता है, बट ऑफकोर्स मैं सेट कर लेती हूँ. बट सी लुक एट माई मेकअप, अभी भी एज इट इज है. सो अगर आप भी अपना बेस प्रॉपरली सेट करते हैं तो आप भी अपने मेकअप को बहुत लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं, आपका मेकअप बहुत लंबे टाइम तक रहेगा. सो प्लीज़ जो बेस है उसको स्ट्रांग करें. एंड ऑफकोर्स मैंने अपना ड्रेस तो दिखाया ही नहीं. दिस इज़ अ वेरी इजी पीजी कोआर्ड सेट जिसके ऊपर सी मैंने वहाँ पे श्रग रखा हुआ है, देख रहे हो पीछे आयरन भी है. ऑफकोर्स कई सारे ऐसे होटल्स होते हैं जहाँ मुझे अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है, बट लाइक कुछ छोटे स्पेसेस जो होते हैं, एंड गॉड नोज आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका वेन्यू कैसा होगा,
या आपका जो स्टे है वो कैसा होगा, बिकॉज कई बार अच्छा होता है कई बार बहुत ज्यादा वाहियात होता है। तो मैं हमेशा अपने पास जो है अपना आयरन रखती हूँ, अपनी हर चीज हर एक ऑप्शन कैरी करके चलती हूँ, बिकॉज मुझे एडजस्ट करना या फिर थोड़े में सेटल होना इट्स नॉट माई टाइप। सो गाइज, गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो आपने देखा, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच एंड लव यू ऑल, गुड नाइट।